मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस पर सूबे के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ने छतरपुर जिले में स्कूली बच्चों के प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। मंत्री सखलेचा ने कार्यक्रम में लोगों को विकसित देश के लिए एक शपथ दिलाई। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रभात फेरी का उद्देश्य हर व्यक्ति को यह महसूस हुआ है कि हमारे प्रदेश का विकास की गति भारत की सबसे तेज गति में से एक है। उन्होंने कहा है कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देने के हर क्षेत्र में कई सफल प्रयास कर रही है और आने वाले 2 सालों में प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी। आगे उन्होंने कहा है कि सरकार ने कई सीएम राइज स्कूल भी खोले हैं और उद्यम क्रांति योजना में हजारों की संख्या में लोगों को लाभान्वित भी किया है। मंत्री सखलेचा ने यहां कॉलेज तिरहा से सनसिटी तक बनाए जा रहे लाडली पथ पर वाटिका का अवलोकन किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर सहित जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में आज सबसे बड़ा फोकस रोजगार और उद्योग पे माननीय मुख्यमंत्री जी का है, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य। अभी 2 दिन पहले एक साथ कई सीएम राइज स्कूल खुले, मुख्यमंत्री क्रांति योजना में भी हजारों की संख्या में पैसा उपलब्ध कराया, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से अवसर उपलब्ध कराए। लेकिन मुझे आज खुशी है कि दिवाली के बाद एक यहाँ की फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग की टीम पूरी सरहानपुर जाके वहाँ के फर्नीचर मेकिंग का तरीका समझकर सीखकर टेक्नोलॉजी आई है। आज हमारे लिए गर्व का बात है, गर्व का माहौल है, सेलिब्रेशन का माहौल है। आज शासन द्वारा सेकेंड हाफ की छुट्टी भी घोषित की गई है। शासन